जय गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जन जय गोपी जन बल्लभा गिरिवर धारी जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुन तीर बन चारे जमुना तीरा जमुना तीर बन चारे जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 राधा माधव भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुकः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते
शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंध अध्याय 21 और श्लोक संख्या 46 पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ पढ़िएगा श्लोक को। पुत्रेण जायते लोकान् इति सत्यवती श्रुतिः। ब्रह्मदण्ड हतः पापो यद्वेनोत्यतरत्तमः। पुत्रेण जयते लोकान् इति सत्यवती श्रुतिः। ब्रह्मदण्ड हतः पापो यद्वेनोत्यतरत्तमः। पुत्रेण जयते लोकान् इति सत्यवती श्रुतिः। ब्रह्मदण्ड हतः पापो यद्वेनोत्यतरत्तमः। पुत्रेण जयते लोकान् इति सत्यवते श्रुतिः। ब्रह्मदण्ड हतः पापो यद्वेनोत्यतरत्तमः। पुत्रेण जयते लोकान् इति सत्यवते श्रुतिः। सत्यवते श्रुतिः। ब्रह्मदण्ड हतः पापो पुत्रेण पुत्र के द्वारा जयते विजय प्राप्त करता है लोकान् समस्त स्वर्ग लोकों की। इति इस प्रकार सत्यवती सत्य होता है श्रुति ही वेद। ब्रह्मदण्ड ब्राह्मणों के साप से हतः मारा गया। पापः परम पापी यत क्योंकि वेनः महाराज पृथु के पिता अति अत्यधिक अतरत उधार हो गया। तमः नारकीय जीवन के अंधकार से। अब इसका अनुवाद। उन सबों से घोषित किया गया कि वेदों का यह निर्णय पूरा हुआ कि पुत्र के कर्म से मनुष्य स्वर्ग लोकों को जीत सकता है।
क्योंकि ब्राह्मणों के साप से मारा गया अत्यंत पापी वेन अब अपने पुत्र महाराज पृथु के द्वारा नारकीय जीवन के गहन अंधकार से उबारा गया था। प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, वैदिक उल्लेख के अनुसार पूत नामक एक नारकीय ग्रह है और जो इस ग्रह से किसी व्यक्ति को उबारता है वह पुत्र कहलाता है। अतः विवाह का उद्देश्य ऐसा पुत्र उत्पन्न करना है जो अपने पिता का, चाहे वह पुत्र नरक में क्यों न गिरा हो, उद्धार कर सके। महाराज पृथु का पिता अत्यंत पापी व्यक्ति था, अतः ब्राह्मणों ने साप द्वारा उसे मार डाला था। उस सभा में उपस्थित सभी साधु पुरुष मुनि तथा ब्राह्मण महाराज पृथु से उनके जीवन के महत उद्देश्य को सुन करके अस्वस्थ हो चुके थे कि वेदों का कथन सत्य सिद्ध हो चुका है, धार्मिक विवाह में पत्नी को ग्रहण करने का प्रयोजन पुत्र की प्राप्ति है। ऐसा पुत्र जो अपने पिता को नारकीय जीवन के गहन अंधकार से उबारने में समर्थ हो। विवाह का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं अपितु अपने पिता को उबारने वाला योग्य पुत्र की प्राप्ति है। किंतु यदि पुत्र अयोग्य असुर हो जाए तो फिर वह अपने पिता को नारकीय जीवन से कैसे उबार सकता है। अतः पिता का धर्म है कि वह वैष्णव होकर बच्चों को वैष्णव बनाए। तब यदि पिता धोखे से भी अगले जन्म में नरक में गिरता है तो ऐसा पुत्र उसी प्रकार उसे उबार सकता है जिस प्रकार महाराज पृथु ने अपने पिता का उद्धार किया। बोलिए जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग कल सुन रहे थे कि महाराज पृथु की प्रशंसा सभी लोग कर रहे हैं, यहाँ तक कि स्वयं जो जगत के आराध्य भगवान हैं भगवान भी महाराज पृथु की प्रशंसा कर रहे थे कि आप कोई साधारण राजा नहीं हैं, अगर आप क्रोध कर देंगे तो फिर औरों में और आप में क्या अंतर है, आप में और लोगों में क्या अंतर है। जीवन भर अगर कोई भक्तों का सेवा किया हो, साधुओं का सेवा किया हो, वृद्धजनों का सेवा किया हो, भजन किया हो और इसके बाद में भी वहीं क्रोध बना रहे तो समझिए कि श्रम एवं वह केवल श्रम को ही प्राप्त किया। जीवन भर मेहनत किया लेकिन फल में क्या मिला, श्रम एवं ही केवलम, केवल उसके हाथ परिश्रम ही हाथ लगा। तो इस बात को सुनकर के पृथु महाराज मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहते हैं कि प्रभु मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि आप हमें 10,000 कान की शक्ति दीजिए जिससे मैं आपके विषय में सुन सकूं, जान सकूं। तो इसको सुनकर के भगवान बहुत प्रसन्न हुए और वास्तव में पृथु महाराज का यज्ञ सफल हो गया। 99 यज्ञ किए लेकिन वो 100 यज्ञ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यज्ञ था उनका, क्योंकि उनका उद्देश्य ही था भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे, अपनी खुशी के लिए नहीं। जो भगवान से प्रेम करता है, प्रेम का मतलब ही होता है कि भगवान जिस क्रिया से प्रसन्न हो, जिस कर्म से प्रसन्न हो, उसी को प्रेम कहते हैं। कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, निज इंद्रिय तृप्ति इच्छा तार नाम काम। जो अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है उसको काम कहते हैं, लेकिन जो भगवान को प्रसन्न करना चाहता है उसी को प्रेम कहते हैं। भगवान को खुश करना, भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को आनंदित रखना, इसको प्रेम कहते हैं। तो आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि पुत्र किसे कहते हैं,
पुत का मतलब होता है नरक, और त्र माने जो नरक से बचा दे, जो नरक से रक्षा कर दे उसको कहते हैं पुत्र। सीधा सीधा पुत का मतलब नरक है, और त्र माने नरक से जो छुटकारा करा दे, जो नरक से बचा दे, नरक में गिरने न दे, उसको कहते हैं पुत्र। तो यहाँ पर पुत्रेण, पुत्रेण पृथु महाराज के लिए आया है। पृथु महाराज एक ऐसे पुत्र हुए कि जो कि अपने पिता को नरक से बचा दिए। उसका पिता था बेन, बेन एक नंबर का पापी व्यक्ति था, दुष्ट व्यक्ति था, अधर्मी व्यक्ति था। अब सबसे बड़ा पाप क्या कहा जाएगा कि वो स्वयं कहता था कि मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान हूँ, इससे बड़ा अब क्या कहा जाएगा। सबसे बड़े भगवान हैं, लेकिन वो कहता था कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, देवताओं को, ऋषियों को, सबसे कहता था कि आप लोग क्या करो कि किसी की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग कहाँ मंदिर में जाते हो सुबह में 3 बजे, कहाँ भागते हो 4 बजे, वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो, मैं ही भगवान हूँ। एक पक्ष में बेन अच्छा राजा था, बेन के भय से कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं करता था। उसके शासन में एक सुविधा थी, बेन कह दिया था कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में ताला लगाएगा तो उसके हाथ को काट दिया जाएगा, अपने घर में ताला लगाएगा तो हाथ को काट दिया जाएगा। दरवाज़ा रहता था क्योंकि कुत्ते न प्रवेश कर जाएं, कोई पशु न चले जाएं, इसलिए दरवाज़ा रहता था, लेकिन ताला लगाने के लिए मना करता था। और कहता था कि अगर कोई चोरी करेगा, चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके सिर को काट दिया जाएगा। तो उसके भय के कारण कोई भी व्यक्ति अपने घर में ताला नहीं लगाता था, कोई चोरी नहीं करता था, क्योंकि डरते थे सब लोग। तो इस एक पक्ष में ठीक राजा था कि चोरी का भय नहीं था, कोई चोरी नहीं करता था, लेकिन एक पक्ष में बहुत बदमाश था कि आप लोगों को अलग पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा परमात्मा हूँ, ईश्वर हूँ। जब ऋषि लोग, ब्राह्मण लोग यज्ञ करते थे, पूजा करते थे, कीर्तन कथा करते थे तो रोक लगाता था। तो इस पर ऋषियों को क्रोध आ गया और वे लोग श्राप दे दिए, तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसा अधर्म किया था तो निश्चित रूप से नरक में जाता है कि नहीं। लेकिन जब बेन का शरीर छूट गया, अब कोई राजा नहीं था, तो संसार में अराजकता न फैल जाए, बिना राज्य के, राजा के राज्य नहीं चल सकता है। कुछ दिन चलेगा ना, 2-4 दिन चल सकता है, ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। तो फिर सभी ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग उसी बेन के शरीर का मंथन किए, और मंथन किए तो उन्हीं के शरीर से महाराज पृथु का जन्म हुआ। तो पृथु महाराज ऐसा भजन किए, ऐसा तपस्या किए, ऐसे व्रत किए कि उनके प्रभाव से उनके पिता का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। पुत्र का मतलब ही होता है कि अपने प्रभाव से अगर हमारे पिता कोई गलत भी कार्य किए हैं तो उनका उद्धार हो जाए, उसी को वास्तविक पुत्र कहा जाता है। उसको अच्छा पुत्र नहीं कहा जाता है कि पिता संसार में जस कमाए हैं, नाम कमाए हैं, धर्म किए हैं और ऐसे पुत्र हो जाएं कि उनके नाम को बदनाम कर दे, गुटखा, तंबाकू, शराब, जुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं नलायक पुत्र कि पिता बेचारे कमा करके धन एकत्रित करके रखते हैं और लड़के मौज मस्ती में सारा धन को बर्बाद तो करते ही हैं, संसार में अपजस भी फैलता है और बाद में वो भी नरक में जाता है और पिता जी को भी नरक में ले जाता है अपने प्रभाव से। ऐसा पुत्र नहीं होना चाहिए। जैसे आत्मदेव पंडित जी बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, बहुत सुंदर ब्राह्मण थे, भागवत महात्मा में वर्णन है, बहुत अच्छे धर्मात्मा थे, पूजा पाठ करते थे, प्रवचन करते थे, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था तो दुखी थे। गृहस्थ के लिए संतान भी जरूरी है, पुत्र भी जरूरी है,
जब गृहस्थ जीवन में आए हैं तो संतान की आवश्यकता होती है, वही संतान तर्पण करता है, अपने कुल वंश को आगे बढ़ाता है। तो आत्मदेव पंडित के पास धन तो था, ज्ञान भी था, भक्ति भी थी, लेकिन एक चीज़ की कमी थी, पुत्र की। तो वो क्या किए कि एक दिन दुखी हो गए और दुखी होकर के जंगल में चले गए, बहुत उदास अवस्था में बैठे हुए थे। उसी समय एक सन्यासी महात्मा आए और सन्यासी महात्मा को देख करके जोर जोर से रोने लगे। एक विरक्त महात्मा को देखे तो वो रोने लगे। तो महात्मा जी पूछे कि क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या कारण है कि रो रहे हो। कहते हैं कि भगवान, हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त है, धन की कमी नहीं है, सुंदर स्त्री भी है, ज्ञान भी मेरे पास बहुत है, संसार में हमारा जस फैला हुआ है, इसमें भी कमी नहीं है, लेकिन एक चीज़ की कमी है, हमारा पुत्र नहीं है, तो आप कृपा करके पुत्र दीजिए। तो महात्मा ऐसे थे कि ललाट को ही देख लिए, कहे कि सुनो, तुम्हारे भाग्य में एक जन्म की तो बात छोड़ो, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। एक जन्म की बात छोड़ो, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। तो इस तरह के बात को सब जब सुने आत्मदेव पंडित, कहे कि अरे तो बड़ा तगड़ा सन्यासी है, ये हमारे एक जीवन की नहीं 7 जीवन के विषय में जान सकता है, तो क्या ये मुझे पुत्र नहीं दे सकता है। अवश्य ही ये पुत्र दे सकते हैं। वो हट कर बैठे। वो महात्मा बिल्कुल सही बताए कि आपके भाग्य में कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, लेकिन वो हट कर दिए। कहे कि अगर आप पुत्र नहीं देंगे तो आपके सामने ही मैं अपना आत्महत्या कर दूँगा। लो, और महात्मा क्या करें, कहे कि ठीक है, एक फल वृक्ष था वहाँ, उसमें से फल दिए और कहे कि इसको ले जाओ, अपने पत्नी को खिला दो, निश्चित इससे पुत्र होगा। मृषा न होई देव ऋषि बाणी, देवताओं की और ऋषियों की साधुओं की बाणी व्यर्थ नहीं जाती है, अगर कुछ मुख से निकल गया तो निश्चित होता है, क्योंकि भगवान अब उसको करते हैं। इसीलिए वैष्णवों को सोच समझ करके बोलना चाहिए, सबको आशीर्वाद नहीं दे देना चाहिए। बस कोई भी आया, प्रणाम किया, महाराज आशीर्वाद दीजिए, तो तुरंत नहीं कर रहे जाओ तुम्हारा कल्याण हो। देखना चाहिए कि वो कल्याण लायक है कि नहीं, ये भी देखना चाहिए, नहीं तो भगवान को विवश होना पड़ता है करने के लिए। अगर वैष्णव के मुख से अगर कुछ निकल गई तो भगवान उसको सत्य करते हैं, पूरा करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के मुख से निकल गया कि हमारे प्रभु तो इस खम्भ में है, पहले से कोई प्लान थोड़े किए थे प्रहलाद महाराज, और जेम ही कहे तो भगवान उस खम में से निकल गए। ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया कि चिंता मत करो, तुम अस्त्र से नहीं मरोगे, शस्त्र से नहीं मरोगे, तुम दिन में मरोगे न रात को मरोगे, जो जो वरदान मांगा उसको पूरा करने के लिए भगवान को आना पड़ा नरसिंह रूप में। भगवान अपने भक्तों के वचन को सत्य करते हैं। तो फल वो दे दिए और फल लेकर के वो अपने पत्नी के पास आए। लंबी कथा है, अति संक्षेप में मैं सुनाता हूँ। तो फिर उस फल को दिए, कहे कि तुम खाओ, इससे पुत्र होगा, लेकिन उनकी पत्नी उस फल को नहीं खाई। वो सोचे कि फल खाने से गर्व होगा, गर्व बढ़ेगा तो खाना पीना में भी कमी होगा, बड़ा दिक्कत होगा, कष्ट होता है। मैं ये भी सुनी हूँ कि बच्चे कभी कभी गर्व में ही टेढ़े हो जाते हैं, कहीं मेरा बेटा भी टेढ़ा ना हो जाए, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। और कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलता है कि ऑपरेशन करते समय व्यक्ति शरीर को छोड़ देता है। बिना मतलब के सोच रही थी, फल को नहीं खाई, उस फल को गाय को दे दिया गया, गाय को खिलाया गया और गाय से बहुत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम हुआ गोकर्ण जी। और वह स्वयं फल नहीं खाई थी, फल नहीं खाई थी, लेकिन झूठ मूठ बहाना करके अपने भीतर कपड़ा डाल दी थी। उसी गांव में उसकी एक सखी रहती थी, वो आकर के सारा उपाय बताई और अपने बच्चे को ला करके दे दी, जिसका नाम हुआ धुंधुकारी। तो आत्मदेव पंडित यही समझ रहे थे कि यह मेरा लड़का है,
उनको यही बताया गया और उसके कारण सारे गांव में वो जो भी गलती करता था तो आत्मदेव पंडित के ऊपर प्रभाव पड़ता था। लोग कहते थे आपका बेटा ऐसा किया वैसा किया ये किया वो किया, जिनका सारा जस फैला हुआ था उनके जस में अब हानि पहुंचने लगी तो बड़ा दुखी हो गए। और वहीं अपने बेटा गोकर्ण जी के पास में जब गए, वास्तव में गोकर्ण जी ही उनके पुत्र थे, तो गोकर्ण जी के पास में जब गए, ऋषि के द्वारा दिया हुआ फल से तो गोकर्ण जी का ही जन्म हुआ था ना, तो गोकर्ण जी बहुत सुंदर उपदेश किए। एक पुत्र का जो कर्तव्य है यहाँ पर गोकर्ण जी निभा रहे हैं। कहते हैं कि हे पिताजी, आप तो सब कुछ जानते हैं लेकिन वास्तव में अपना कल्याण चाह रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि धर्मः भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। अगर आप कल्याण चाहते हैं तो सतत धर्म के आश्रय में रहिए और साधु पुरुषों की सेवा कीजिए, और संसार का जो लोक धर्म है उससे आप दूरी बना करके रहिए। संसार वालों के साथ में ज़्यादा दोस्ती मत कीजिए। त्यजलोक धर्मान, लोक लौकिक व्यक्ति लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में मत पड़िए। लोग तो आपको किसी तरह नहीं जीने देंगे, आप कुछ भी कर लीजिए लोग आपका बदनामी करेंगे ही। संसार के लोगों को कोई खुश नहीं कर सकता है, भगवान को खुश करने में उतना मेहनत नहीं है जितना व्यक्ति को खुश करने में मेहनत है। आप कुछ भी कीजिए लोगों को जो कहना है वो कहते ही हैं। इसका एक उदाहरण है कि एक बार भोले बाबा शंकर जी और पार्वती जी दोनों जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो शंकर और पार्वती दोनों बैल पर बैठे हुए थे। शंकर जी पार्वती जी को बैठाए थे, स्वयं भी बैठे हुए थे और जा रहे थे। तो संसारिक लोग देखे तो देखे तो कहे कि अरे देखो तो सही, ये शंकर जी हैं, इनको शंकर जी कहा जाता है लेकिन इनको थोड़ा भी दया नहीं है। बैल के ऊपर अपने भी बैठे हैं और अपने पत्नी को भी बैठाए, आखिर ये भी तो जीव है। तो शंकर जी के कान में ये आवाज़ गई, शब्द सुनाई दिया, तो शंकर जी कहे कि ठीक कह रहे हैं बेचारे, हम लोग को उतर जाना चाहिए। तो शंकर जी क्या किए कि अपने उतर गए और अपनी पत्नी को कहे कि तुम बैठ करके चलो, मैं पैदल चलता हूँ। तो पार्वती जी उस पर बैठ करके चल रही थी, शंकर जी पैदल चल रहे थे। आगे जाते जाते लोग कहे कि अरे देखो तो सही, पत्नी बैठी और पति नीचे नीचे चल रहा है, ये कहाँ का नियम है। तो पार्वती जी कही कि बात सही है, और पार्वती जी उतर गई। शंकर जी को कही कि आप बैठ जाइए, हम पैदल चलते हैं। फिर चल रहे हैं, कुछ दूर जाते जाते लोग कहे अरे देखो तो सही, अपने बैठा ये कितना सुकोमल सुकुमारी स्त्री है, उसको पैदल चला रहा है। तो शंकर जी कहे हाँ भाई ये भी ठीक है बात कह रहे हैं। अब शंकर जी सोचे चलो मैं भी उतर जाता हूँ। अब दोनों पैदल चलने लगे, बैल भी खाली चल रहा है। तो लोग कहते हैं कितने दोनों मूर्ख हैं, अपने साथ साधन है सवारी है फिर भी पैदल चल रहे हैं। तब तो शंकर जी कहे कि देख ली, चलो हम दोनों बैठते हैं और चलते हैं, संसार वालों को खुश नहीं कर सकते हैं। तो यही बात गोकर्ण जी यहाँ पर बताए हैं कि हे पिताजी, संसार वालों के खुश करने के चक्कर में मत पड़िए, त्यजलोक धर्मान, इन लोगों को छोड़ करके धर्मः भजस्व सततम, सतत धर्म के आश्रय में रहिए। और धर्म क्या है तो कहा गया है कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत, वही धर्म है जिसको भगवान ने करने के लिए कहा है। भगवान क्या कहे हैं करने के लिए कि सब कुछ छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम प्रज, और आकर के क्या करना है कि मन मना भव मदभक्तो भव मद्यादि भव माम नमस्कुरु भव, मेरे में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इसको करना है। तो यहाँ पर पुत्र का मतलब ही है कि अपने पिता को इस संसार बंधन से छोड़ा करके भगवत प्रेम को प्रदान कर देना, उसी को पुत्र कहते हैं।
आत्मदेव जी बहुत बड़े विद्वान महात्मा थे, ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी वो पुत्र व्यामोह में पड़ करके वो भटक रहे थे, लेकिन गोकर्ण जी ने उनको सावधान कर दिया। स्त्री के मोह में पड़े हुए थे, इतने ज्ञानी होने के बाद में भी उनका वैराग्य नहीं हो रहा था, विरक्ति नहीं हो पा रहे थे, तो गोकर्ण जी ने सावधान किया कि सावधान, पत्नी पुत्र फंसाने वाले हैं, इससे बचने की आवश्यकता है, इसी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वृद्ध होने के बाद में भी आसक्ति बढ़ाने की जरूरत नहीं है, छोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए हे पिताजी, आप जाइए जंगल में, जंगल में जाकर के भजन के, जंगल का मतलब क्या होता है, वनम गतो हरिमाश्रय, तो वन में जाकर के हरि का आश्रय स्वीकार कीजिए। तो वनम का मतलब एक अर्थ मंदिर भी होता है, केवल जंगल ही नहीं होता है, अर्थात आप मंदिर में जाकर के रहिए, जहाँ वैष्णवों की सभा है, जहाँ साधु महात्मा सदैव भगवान के चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, ऐसे समाज में जाकर के बैठिए रहिए, तब कल्याण होगा। और इस बात को सुन करके आत्मदेव जी अब घर को छोड़ करके गए और जाकर के भागवत के दशम स्कंद का नियम बना करके पाठ किए, प्रतिदिन भागवत पढ़े और अंत में भगवान को प्राप्त कर गए। तो पुत्र के प्रवचन काम किया ना, वो खुद प्रवचन करते थे, लेकिन यहाँ उनका पुत्र गोकर्ण जी ने ऐसा प्रवचन किया, ऐसा उपदेश किया कि वो भगवत धाम को प्राप्त हो गए, नहीं तो उस अवस्था में भी गिर सकते थे। कहाँ बंधन होता है, भरत जी कितने बड़े राजा थे, कितने बड़े महात्मा थे, लेकिन सब कुछ छोड़ करके घर से निकले थे, लेकिन एक हरिण के फेरे में पड़ करके उनको दूसरा जीवन हरिण का लेना पड़ा, तीसरे जीवन ब्राह्मण शरीर में आए और फिर भगवान को प्राप्त किए। तो ये बंधन जो है ना कहीं फंसा देता है, इसलिए हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, सावधानी पूर्वक भक्ति करने की आवश्यकता है। जब तक सावधानी पूर्वक भजन नहीं करेंगे तो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो पृथु महाराज इतने अच्छे पुत्र हुए, धर्म परायण राजा हुए, भक्ति परायण राजा थे, कि अपने भक्ति के प्रभाव से, अपने भजन के प्रभाव से उन्होंने क्या किया कि अपने पिता को नरक जाने से बचा लिया। उनके पिताजी नरक में गिर गए होते बेन महाराज, लेकिन वो कहे कि ना, अपने पिता को बिल्कुल नरक में नहीं जाने देना, यही तो सच्चा पुत्र का धर्म होता है, उसी को तो पुत्र कहते हैं, पुत्र का कर्तव्य होता है। हम लोग जब पुत्र बने हैं तो हम लोगों का कर्तव्य है कि हम ऐसे कार्य को करें कि जिससे हमारी माता, हमारे पिता, हमारे कुल के लोगों का नाम हो, उन लोगों का कल्याण हो, अपना तो कल्याण हो ही, लेकिन उनका भी उद्धार हो। ये सबका दायित्व बनता है, सबका कर्तव्य बनता है। और ये कब होगा, जब आप सद्मार्ग पर रहेंगे। अगर पिता कुछ गलती भी किया है तो आपका कर्तव्य उसको उससे बचा करके भगवत धाम के ओर ले जाना, यही सच्चे पुत्र का कर्तव्य। नहीं तो पुत्र नहीं है, उसको पुत्र नहीं कहा जाएगा, उसको मूत्र कहा जाएगा। प्रभुपाद जी लिखे हैं वृत्तासुर प्रसंग में, वो पुत्र नहीं है, वो पुत्र है ही नहीं, वो तो मूत्र है। तो हमको पुत्र बनना है कि मूत्र बनना है, हम खुद विचार कर लें कि हम मूत्र रहेंगे कि पुत्र रहेंगे। तो पुत्र बनना है तो भगवान के पवित्र कीर्ति, भगवान के नाम को गाना पड़ेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भगवान रामचंद्र जी बन जा रहे थे, उनको वनवास मिल गया था, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, इसको जब माता कैकेयी ने दशरथ जी से मांगी कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास होना चाहिए, तो भगवान जब सुने कि हमको जंगल जाना है तो प्रसन्न हुए, भगवान बहुत खुश हुए, अपने माता कौशल्या के पास आए तो कहे कि हे माँ, जानती हो हमको पिताजी ने बहुत बड़ा राज्य दिया है, कानन का राज्य दिया है, जंगल का राज्य दिया है,
अयोध्या तो उसके सामने बिल्कुल छोटा सा राज्य है। भगवान बहुत प्रसन्न होकर के जाने के लिए तैयार थे। सीता जी को पता चला तो सीता जी भी आकर के हट कर दे कि मैं भी जाऊंगी। तो भगवान कहे ठीक है, देर मत करो, जल्दी चलो। अब सीता और राम दोनों जाने के लिए तैयार थे, तब तक लक्ष्मण जी आ गए। और लक्ष्मण जी जब आए तो कहे कि भैया मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता हूँ, मेरा जीवन ही आपके लिए हुआ है, आपके बिना एक क्षण भी मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ। तो भगवान कहे कि ठीक है, अगर चलना है तो जाओ, माता जी से पूछ करके आओ। तो लक्ष्मण जी अपने माँ के पास गए हैं। लक्ष्मण जी के माता जी का नाम तो मालूम है ना आप लोगों, सुमित्रा जी। तो सुमित्रा जी के पास में गए हैं। सुमित्रा जी के पास में जब लक्ष्मण जी गए तो सुमित्रा जी से कहते हैं कि हे माँ, भैया जंगल में जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ। वो पहले तो डर रहे थे कि पता नहीं माँ आज्ञा देगी कि नहीं देगी। राम जी कह दिए थे कि माता से आज्ञा लेकर के आओ। लक्ष्मण जी घबराए हुए थे, लेकिन जब माँ के पास गए तो माता सुमित्रा जी क्या कहती हैं कि अरे बेटा लक्ष्मण, जहाँ राम हैं वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का उदय होता है, जिधर सूर्य उदित होते हैं वहीं पूरब दिशा है, समझना चाहिए। एक कहना ठीक नहीं होता है कि जिधर पूरब है उधर सूर्य उदित होते हैं, जिधर सूर्य उदित होते हैं वहीं पूरब है, सीधा सीधा समझिए। तो जहाँ राम है वहीं अयोध्या है, तुमको यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वास्तव में सुमित्रा जी कह रहे कि पुत्रवती जुब तेज गोई, पुत्रवती जुब तेज गोई, रघुपति भगती जासुसुत होई। कहें कि वही माँ माँ है, वही पुत्रवती माँ कहलाती है, जिसका लड़का, जिसका संतान, जिसका पुत्र भगवान का भजन करता है। वास्तव में उसी का पुत्र पुत्र है, वही माँ धन्य है, उसी का कोख धन्य है, जिसके गर्भ से जो बालक जन्म लिया वो भगवान का भजन कर रहा है। कहते कि उससे तो अच्छा है, अगर कोई भजन नहीं कर रहा है तो माता सुमित्रा का कहती है कि न तरु बांझ भले बादे बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। कहते कि उससे तो अच्छा है कि पुत्र ही ना हो, बांझ होना अच्छा है। बांझ मतलब बिना पुत्र के होना, जिस माता के पुत्र नहीं है वो ज़्यादा अच्छी हैं। जिस माता के पुत्र हुए हैं और भजन नहीं करे, उससे अच्छी वो है जिसका संतान नहीं है, क्योंकि कम से कम कोई गलती तो नहीं कर रहा है ना। और किसी के लड़के हैं, पुत्र हैं, कोई शराब पी रहा है, कोई गलत कार्यों में लगा हुआ है, तो उससे अच्छी वो माँ है जिसका कोई संतान नहीं है। अगर संतान हो तो भगवान का भक्त होना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उसी को पुत्र कहा गया है, जो भगवान का भजन करता है, भगवान के भजन करके भगवत धाम को ले जाता है। जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज कितने अच्छे पुत्र थे, कितने अच्छे संतान थे, और उनकी माँ भी कितनी अच्छी थी कि जब सुरुचि ने उनको अपमान की, मातु दुरुक्त, अपने माँ के दुरुक्त वचन को जब सुने ध्रुव महाराज, तो वहाँ से रोते हुए अपने माँ के पास आए, सुनीति जी के पास आए, तो माता सुनीति ने कही कि हे बेटा तुम रो क्यों रहे हो, अगर तुमको कुछ चाहिए तो आराधया अधोक्षज पाद पद्मम, तुम भगवान अधोक्षज के चरणों का ध्यान करो, वही कुछ भी दे सकते हैं। छोटा से बच्चा को माता ने उपदेश की, और इनके बात को सुन करके ध्रुव महाराज क्या किए कि जंगल में चले गए और ऐसा भजन किए कि 5 महीना में 6 महीना में भगवान को प्राप्त कर लिए, और भगवान प्रसन्न होकर के उनको बहुत कुछ दिए। और अंत में जब जाने का समय आया तो उनके लिए स्पेशल विमान आया, और जब विमान में बैठ करके जा रहे थे ध्रुव महाराज, तो एकाएक विमान
को रोकने लगे, कहे रुको रुको भगवत पार्षदों को कहे कि रुक जाइए, तो कहे क्यों क्या बात है अब क्यों रोक रहे हैं, कहते नहीं नहीं मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं जाऊँ और हमारी माँ इस पृथ्वी पर पड़ी रहे उचित नहीं है। तब पार्षद लोग हंसने लगे, कहने लगे कि अरे ध्रुव आप जैसे भक्त जिस कुल में जन्म लिया है, आप जैसा पुत्र जिनका लड़का बन करके आया है, वो माँ क्या इस संसार में रह सकती है, विमान को थोड़ा तेज गति से चलाए और चला करके आगे दिखाई कि देखो आगे आगे जो विमान जा रहा है उसमें आपकी माता जी बैठी हुई हैं, माता सुनीति आपसे आगे जा रही है भगवत धाम, देखिए आगे दिखाई दे रहा है ना। प्रभुपाद जी ने कहा है कि काश ऐसे ही हमारे शिष्य भी होते, बहुत सुंदर इसका भाव है। तो यहाँ पर ध्रुव महाराज अपने माँ को, हालांकि सुनीति माता स्वयं अपने प्रभाव से भगवत धाम जाने के अधिकारिणी हैं, लेकिन ध्रुव महाराज ने ऐसा भजन किया ऐसा तपस्या किया कि अपने प्रभाव से माता को भी अपने साथ साथ भगवत धाम ले गए। देखें ना यहाँ पृथ्वी महाराज अपने पिताजी को पहुँचा दिए हैं, गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को भगवत धाम के लिए भेजा, यहाँ ध्रुव महाराज ने इसको पुत्र कहते हैं। पुत्र का मतलब ही है कि अपने पिता को अपने माता को अपने भाई बंधु को भगवान के ओर अग्रसित करे, भगवान के ओर ले जाए, वही सच्चा संतान है, वही सच्चा पुत्र है। नहीं तो पिता बनने का पुत्र बनने का क्या मतलब है। और पिता का भी कर्तव्य प्रभुपाद जी इसमें लिखे हैं कि पिता का भी कर्तव्य ऐसा है कि ऐसे भजन भक्ति करे कि जिसके कारण पुत्र भी भजन करने लगे, अपने पुत्र को भगवान के भक्ति में लगाना चाहिए, ये काम पिता का होता है। वही पिता पिता है, गुरु न सस्याद स्वजनों न सस्यात् पिता न सस्या जननी न सस्यात् दैवम न तस्या न पतिश्च सस्या न मोचये देह समुपेत मृत्युम। कह रहे हैं कि वह गुरु गुरु नहीं है, वह स्वजन स्वजन नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, वह माता माता नहीं है, वह दैव दैव नहीं है। जो गुरु अपने शिष्य को, जो पिता और माता अपने पुत्र को, जो पति अपने पत्नी को, जो देवता अपने भक्त को भगवान के भक्ति में ना लगा देता हो, अगर वो नहीं लगा रहा है तो समझिए वह पिता पिता नहीं है। जो विवाह करके केवल भोग में ही अपने मन को लगाया है, भोगों में ही अपने समय को व्यर्थ कर रहा है, तो वह पिता पिता नहीं है। पहले के लोग विवाह करते थे संतान उत्पत्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, और पुत्र जब ही होते थे तो भजन में लग जाते थे और उस संतान को भी ट्रेनिंग देते थे, शिक्षा देते थे कि आपको कैसे भजन करना है। ये पिता का दायित्व होता है, ये माता का दायित्व है कि अपने पुत्र को भगवान के भक्ति में लगाए, भगवान के नाम में लगाए। तो स्वयं जब करेगा तभी ना पुत्र भी करेगा। पिता अगर सुबह में उठ करके 3:30 बजे स्नान करके 4:15 बजे मंदिर में बैठ करके आरती जब करने लगेगा तो लड़का स्वाभाविक करने लगेगा, वो देखेगा कि हमारे पिताजी भजन कर रहे हैं, तो पुत्र स्वाभाविक करेगा। अगर पिता उठ करके चीलम पीना चालू कर दे, सिगरेट पीने लगे, पुत्र के सामने ही खैनी मल करके खाए, तो बेटा भी देखेगा कि इसमें क्या स्वाद है। कोई कोई तो पिता इतने बदमाश होते हैं कि अपने पुत्र को ही कहते हैं लो बेटा जाओ दुकान से थोड़ा सुरती खैनी खरीद करके लाओ, सिगरेट लाओ, तो लड़का रास्ता में ही ट्रेनिंग लेता है कि कैसा लगता है थोड़ा देखूं तो सही, रास्ता में ही टेस्ट करता है। तो बताइए पिता स्वयं तो नरक में जाएगा ही, अपने पुत्र को भी ले जा रहा है, बच्चा का क्या गलती है। और कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं निर्लज कि पिता और पुत्र दोनों एक साथ बैठ करके हुक्का पीते हैं, हम लोग देखे हैं चीलम पीते हैं, मैं देखा हूँ कि पिता और पुत्र दोनों, पिता पुत्र को देता है लो बेटा, वो उधर से पीता है तो फिर उसी को लेकर ये पीता है, वो दोनों वो पिता है ना वो पुत्र है, वो दोनों दोनों कुछ नहीं है और दोनों नरक में जाने वाले हैं। वास्तविक पिता वही है जो अपने पुत्र को भगवान के भक्ति में लगाता है।
विवाह का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अपितु अपने पिता को उबारने वाले योग्य पुत्र की प्राप्ति है। किंतु यदि पुत्र अयोग्य असुर हो जाए तो फिर वह अपने पिता को नारकीय जीवन से कैसे उबार सकता है। अतः पिता का धर्म है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि पिता का धर्म है कि वह वैष्णव होकर के स्वयं वैष्णव बने और वैष्णव बन करके अपने बच्चों को वैष्णव बनाए, भगवान को स्वयं भोग लगाए और भोग लगा हुआ प्रसाद स्वयं खाए और अपने पुत्र को भी खाने के लिए दे कि लो बेटा कुछ भी खाना है तो पहले भगवान को भोग लगा करके खाना है। ये नियम बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग छोटे थे, मेरे जन्म से पहले कहीं हमारे बड़े भैया परम पूज्य गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज भक्त हो चुके थे, तो हम लोग छोटे से ही देखे हैं कि कुछ भी खाना होता था तो बिना भोग लगे नहीं मिलता था। कभी कभी हम लोग को पढ़ने जाना होता था, स्कूल में देर होने लगता था और प्रसाद बनने में देर होता था, तो माता जी कहती थी कि अगर तुम लोग को खाना है तो भोग लगाना पड़ेगा। तब तो क्या करते थे कि माता जी चावल निकाल रही है तो हम लोग सब्जी निकालते थे, तो दौड़ करके तुलसी पत्र लाते थे, पानी ला करके जल्दी भोग लगा करके, बिना भोग लगे मिलेगा नहीं खाने को, तो उसमें हेल्प करने लगते थे जल्दी जल्दी कैसे करें कि खाने को मिलेगा और स्कूल जाना है। तो जब घर में नियम बना देंगे तो लड़का भी स्वाभाविक तुलसी पत्र लाएगा, दौड़ करके भगवान के लिए जल लाएगा, भगवान का पट खोलेगा कि अगर देर करेंगे तो फिर हमारा स्कूल छूट जाएगा, तो स्वाभाविक उसकी भक्ति होने लगेगी। तो एक काम है माता पिता का, यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि स्वयं भक्त बनना पड़ेगा और स्वयं भक्त बनेंगे तो लड़का भी भक्त बन जाएगा और भक्त बनेगा तो वही लड़का अपने पिता माता का कल्याण करेगा। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। ठीक है, कोई प्रश्न हो अगर न समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। आपके भाई है? हाँ, हमारे बड़े भैया थे, सगे सगे बड़े भाई। हाँ बोलिए प्रभु। हमने वो आरंभ में जैसे वो गोकर्ण उनको पिताजी को उपदेश दे रहे हैं कि अभी पारिवारिक जीवन में फंसना नहीं, हरि का आश्रय लेना है, तो संदर्भ में आपने कहा कि बढ़ने ज्ञान मंदिर। हाँ, तो अभी क्या हुआ है समाज के घरों में थोड़े माँ बाप को भी नहीं रखते हैं क्योंकि शहर में काम करते हैं, तभी पत्नी और उनको बूढ़ों का ध्यान रखने के लिए उनके पास समय नहीं है या नहीं रखना चाहिए, और वही माहौल क्या होता है कि मंदिरों में भी अपने मंदिर इतने बड़े शहर में होते हैं तो मानसिकता वैसे ही रहती है क्योंकि बूढ़ों को कहाँ रखेंगे नजर की पोजिशन, तो इसको व्यवहारिक तरीके से कैसे उसको किया जा सकता है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं पूरा पूरा। मतलब अगर कोई उम्र होने के बाद वानप्रस्थ जीवन में ले लेते हैं तो ऐसे अवस्था में वो हरि का आश्रय लेना चाहते हैं, चाहे वन में हो या मंदिर में हो, ऐसे अवस्था में मंदिर में भी ऐसे गुणों को तो उम्र होने के बाद जो भक्ति होते हैं और घर में भी नहीं रखते हैं वो अपनी मान लेते हैं, मंदिर में भी ऐसे माहौल हो जाकि वो भजन करके शरीर छोड़ सकते हैं हरि का आश्रय, मतलब मंदिर में कैसे रहा जा सकता है ये पूछ रहे हैं। नहीं मतलब देखिए, पहले तो अपने को इस रूप में तैयार करना चाहिए। देखिए आजकल की जो स्थिति है कि पूरा पूरा पुत्र के लिए सब कुछ सोचते हैं कि पुत्र के लिए ही हमको करना है, पुत्र के लिए करना है, पुत्र जीवन भर पुत्र के लिए कमाए, सब कुछ किए, पुत्र को दे रहे हैं, और जब बूढ़े हो गए तो स्वाभाविक है वो लड़का उसको भगाएगा। इसीलिए उनको शुरू में ही ट्रेनिंग देना चाहिए, लड़के को भक्ति में लगाना चाहिए कि भक्त बनो, और जब भक्ति में लगाएंगे तो पुत्र पहले तो ऐसा करेगा नहीं। अगर लग रहा है कि लड़का ऐसा कर सकता है, उनको खुद समझदारी होनी चाहिए, तो कुछ धन को ऐसा रखना चाहिए कि उनके वृद्धावस्था में काम आवे। अब वो सारा सारा पुत्र को देने की जरूरत नहीं है, वो मंदिर में दे, मंदिर में व्यवस्था, मंदिर के द्वारा जो व्यवस्था मिले उसमें रह करके वानप्रस्थ जीवन में रह करके भजन करे, सब कुछ जीवन भर पुत्र के लिए कमाया
और जब सब कुछ दे दिया कुछ नहीं है तो पुत्र लात मार करके जब हटाए घर से तब तो मंदिर में आओ, तो मंदिर क्यों रखेगा उसको, पहले तो ये है। और दूसरी बात है कि अपने घर को ही ऐसा माहौल बना दीजिए, ऐसी स्थिति बना दीजिए कि घर को ही मंदिर बना करके रखिए, घर में भी वानप्रस्थ जीवन में रहा जा सकता है, आराम से भजन किया जा सकता है, ठाकुर जी की पूजा भक्ति किया जा सकता है। ये नहीं कि अब घर छोड़ करके मंदिर में ही जाएंगे तो पूरा पूरा भजन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसको अब करने वाले को देखना है कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, उसको खुद समझना पड़ेगा ना। ठीक है, हरे कृष्ण। गुरु जी, जैसे कि गुरु महाराज ने यज्ञ किया था, आश्रम में यज्ञ किया, तो हम देखते हैं कि भागवत में अलग अलग भक्तों ने यज्ञ किया था, जैसे कि नागू महाराज ने भी यज्ञ किए थे और दक्ष प्रजापति ने भी यज्ञ किए थे, तो भगवान प्रकट हुए थे। तो हम कह रहे त्रेता युग में कौन सा यज्ञ मतलब करने से भगवान प्रकट होते थे, अश्रम यज्ञ होने के बाद ही भगवान प्रकट होते थे आशीर्वाद देने के लिए, या दूसरा यज्ञ में क्या विशेषता होती है? यज्ञ तो अलग अलग है ना, अश्वमेध यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है, अलग अलग यज्ञ है। तो चारों युग के लिए बताया गया है ना, युग के लिए तो बताया गया कि युग में क्या करना है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चार युग है। तो युग के अनुसार भजन की पद्धति बताई गई है। सतयुग में कृते यद ध्यायते विष्णु हो, त्रेतायाम जजतई मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनाथ। ये ध्यान देना चाहिए कि चारों युग में भगवान का नाम कॉमन है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये तो चारों युग में चलेगा। लेकिन सतयुग में लोगों का उम्र ज़्यादा होता था तो उस समय ध्यान भी करते थे, दो मार्ग रहता था, ध्यान और नाम दोनों। त्रेता में यज्ञ और भगवान का नाम, द्वापर में अर्चन और भगवान का नाम, दो दो मार्ग था। उसके द्वारा भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता था, नाम भी था। लेकिन इस कलयुग में एक ही रास्ता बचा है, दो रास्ता नहीं है इस कलयुग में, कलयुग में केवल एक ही मार्ग बचा हुआ है, वो क्या है, भगवान का नाम। इस युग में अगर कोई ध्यान करना चाहे तो नहीं कर सकता है, कोई यज्ञ करना चाहे तो नहीं कर सकता है, इसके पीछे कारण है, रीजन है कि क्यों नहीं कर सकता है। अगर कोई पूजा करना चाहे, अर्चन करना चाहे तो सब लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग पुजारी जी लोगों को देख रहे हैं ना, कितना नियम से रहना होता है, स्नान करना, शुद्धता पूर्वक रहना, तो कुछ लोग ही कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन सारे कलयुग जीवों का कल्याण कैसे होगा, तो इस युग के लिए एक ही उपाय है, हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ते व गतिरंजथा, नाम के ही आश्रय में रह करके भगवान का भजन कर सकते। इसमें यज्ञ नहीं कर पाएंगे, चाह करके भी नहीं कर सकते हैं, शुद्ध घी नहीं मिलेगा। अगर प्रयास करके घी एकत्रित भी कर लिए तो यज्ञ कराने वाले शुद्ध ब्राह्मण नहीं मिलेंगे, शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे, गुटखा तंबाकू खाने वाले मिलेंगे, तो कैसे हो सकता है। अगर ब्राह्मण भी मिल गए, बड़ा मेहनत करके काशी गए, वृंदावन गए, अन्य जगह से ढूंढ करके ब्राह्मण ला भी दिए, तो यजमान शुद्ध नहीं मिलेगा, उसको जल्दी रहेगा कि पंडित जी अब जल्दी हमारा यज्ञ करा दीजिए ना, तो पंडित जी कहेंगे तुमसे ज़्यादा जल्दी मेरा है, मुझे भी 10 जगह जाना है विवाह कराने, तो कहाँ सफल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इस युग के लिए एक ही उपाय है, भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और उस समय अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अलग अलग यज्ञ का विधि है, जिसको जिस कामना से करना होता है उसका विधान है कि किसको करने से क्या मिलेगा, किसको करने से क्या मिलेगा। ठीक है, ठीक है, मैं क्या क्या, अगर पुत्र भक्ति में नहीं है पर पुत्री है, हाँ पुत्री है तो हो जाएगा कल्याण, पुत्री पुत्र दोनों एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, पुत्री है, किसी किसी का पुत्र है ही नहीं, लड़की ही है, तो भक्ति करेगी तो ठीक है, कल्याण होगा। ठीक है, हरे कृष्णा।